और मैं हूं आपके साथ निभा से। बिहार विधानसभा चुनाव में जाप यानी जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह कैची होगा। चुनाव आयोग द्वारा जन अधिकार पार्टी को चुनाव चिन्ह कैची दिया गया है। यह बात खुद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए प्रेस वालों को बताया है कि उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह कैची होगा। पटना के पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रेस वालों से और क्या कुछ बातें की, आइए सुनते हैं। वार्ड सचिव को तनख्वाह नहीं मिलती है किसी भी तरह का, उस पर हमारी सरकार आएगी तो 3 महीने के अंदर वार्ड सचिव को हर परिस्थिति में वेतन मान और पेंशन के लिए घोषणा करें। मेरा सीधा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी बिहार में बीजेपी कर रही है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि एक बार भी बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने की बात अब नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी हर दिन केंद्र की सौगात की बात करते हैं। 2 घंटे में कल पटना बर्बाद हो गया, स्मार्ट सिटी पर कुछ बोलते नहीं है, नर्क बना दिए गए और उसके बाद पानी के बारे में स्वच्छता की बात नरेंद्र मोदी के मुंह से, उत्तर बिहार मिथिला कोसी सीमांचल में आर्सेनिक और आयरन पानी से कैंसर टीबी और दमा की बीमारी 90-95%, और मगज में पानी है ही नहीं, पानी के बगैर आदमी मर रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। और जुमलेबाजी और झूठ का ठीका लेने वाली यह सरकार, इसको बिहार की 13 करोड़ जनता सबक सिखाएगी। जिस तरीके से उसने मेरे साथ साजिश रचा हमारा चुनाव चिन्ह छीन कर, इसी कैची से अब चलेगा ये कैची। सब लोग ये जो कैची है ना, इसी से रोजगार, इसी से भ्रष्टाचारी बलात्कारी अपराधी माफिया को जुमले को फर काटेंगे, जुबान भी कटेगा और हर हाथ को काम भी मिलेगा। ये कैंची बिहार के आत्मनिर्भर बनाने का निर्माण है और इस कैंची से ही साजिश को विफल करेंगे। और साफ शब्दों में मैंने लालू जी से आज अपील की है, मैं हाथ जोड़ के लालू जी से कहता हूँ कि एक बार अपने परिवार और बेटे का मोह छोड़ दो, अपने बेटे परिवार को आप 2-2 डिप्टी CM बना लो, बिहार बचा लो। आप अपने ही दल से, मेरा जन्म नहीं हुआ लालू जी, लेकिन एक लगाव है आपसे, पीड़ा होती है और बिहार में इतिहास लिखे हैं आप, एक बार और इतिहास लिखिए और कांग्रेस थोड़ा सा झुकिए और रामविलास जी से बात करिए। यही मेरा आग्रह है, हमारी पार्टी बिना शर्त आपके साथ बिहार बचाने के लिए खड़ी होगी, लेकिन शर्त है कि बिहार बचा लीजिए। बिहार की स्थिति अब अच्छी नहीं है, बहुत खराब हो चुके हैं, लोगों के थाली में खाने खत्म, छीन लिया है लोग मोदी जी और नीतीश ने, और जेब में किसी के 100 रुपया नहीं है। वर्तमान सरकार के मिलीभगत का आरोप लग चुका है, अब आपका चुनाव चिन्ह विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले बनना जाता है, तो क्या लगता है चुनाव आयोग पर भी वर्तमान सरकार? सर चुनाव आयोग कोई संस्था बची है सर, जिसको मोदी जी, जब आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 5 जज निकल करके, कोई संस्था नहीं बची सर जिसको मोदी जी, ऑटोनोमस सारी संस्था को मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया सर। राज्यपाल तो पेड होते हैं सर, राज्यपाल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है सर। चुनाव आयोग पर भी दबाव सर, चुनाव आयोग कंप्लीट रूप से आप देख लेना, हर काम हर निर्णय सरकार के इशारे पर करते हैं। सर उस वक्त NDA के घटक दल नहीं थे जीतनराम मांझी, जिस वक्त चुनाव चिन्ह छीना गया था, नए को मिला सर। हम 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं इससे सर, वहाँ टूट हुई है सर, मेरे यहाँ टूट नहीं हुई थी, हम पार्टी में टूटा के टूट अलग अलग वहाँ से टूट होकर के चुनाव चिन्ह मांगा गया था सर। एक दोनों आदमी दावा किए थे, इसीलिए सर मेरे साथ क्यों अंतिम में साथ ही सुनी सर।
जी जी नहीं सर, अब कैंची से ही कर देंगे सर, अब साजिश मेरे साथ भी जनता इसका जवाब देगी सर, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी सर, साजिश हुई जनता जवाब देगी। नीतीश कुमार को सीवरेज का ज्ञान है क्या? नीतीश कुमार ठगी जाने खगी की भाषा, नीतीश जी जाने मोदी जी की भाषा, मोदी जी जाने नीतीश जी की भाषा, आप कौन किसको ठगेंगे ये तो वक्त बताएंगे। नीतीश कुमार मगही में गाना गा रहे हैं, हमरो गाना आता है बड़ी अच्छा अच्छा मिथिला समाज हम बनाएब, भोजपुरी समाज हम बनाएब, अंगिका समाज हम बनाएब, मगही समाज हम बनाएब, घर घर दिए राज लाएब, घर घर दिए राज लाएब, सबके हाथ में काम दिलाएब, मिथिला समाज। लेकिन लालू जी से मेरा आग्रह है कि लालू जी आप अपने परिवार में जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाए थे आप बनाए, आप मंत्री में सबको रखें, पूरा देश परिवार और चीजों में उलझा हुआ है, कोई एक बात नहीं है, लेकिन अपने ही दल के किसी दलित या अत्यंत पिछड़ा या कुशवाहा आपको जो अच्छा लगे इसमें से किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर, पप्पू यादव बिहार बचाने के लिए लालू जी कोई कुर्बानी देने को तैयार है, मैं बिना शर्त आपके साथ जुट जाऊं। लेकिन इस बार बिहार के लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि इतिहास 2020 में माफ नहीं करेगा फिर आगे किसी को। ये मेरा आपसे बहुत करबद्ध आग्रह है और एक आपने जन्म दिया होगा लेकिन आपके साथ जो सानिध्य जो वक्त गुजरा है राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर के बाद एटीएच से, आज आपके यानी जितना मांझी से नीतीश कुमार बात करके राजनीति का खेल खेल सकता है, तो मेरा आग्रह है कांग्रेस से और बहुत गंभीरता के साथ कि आप रामविलास जी से बात करें और महागठबंधन के कुंभ को बड़ा आकार दें। आज जरूरत है महागठबंधन के कुंभ को बढ़ाने की, एक करने की। आप बड़ा भाई और लालू जी छोटा भाई दोनों मिलकर के इस बिहार को बचाएं, ये मेरा आग्रह है, अन्यथा आप लोग माफी के योग नहीं होंगे। मेरी पार्टी अपील करती है कांग्रेस और इनसे कि प्लीज तमिलनाडु आंध्रा के तट पर आप 4 डिप्टी सीएम बना लें, एक ऊंची जात में, एक माइनोरिटीज में, एक जादव में, तो चुनाव के समय क्या कारण है जब 10 दिन चुनाव बचते हैं तो चुनाव छीन लिया जाता और आवंटित कर दिया जाता, जबकि दो दो बार हम चुनाव इस पे लड़ चुके हैं। बड़ी गहरी साजिश के तहत ये चुनाव भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ने बदला है, अब इसी कैंची से या कैंची माँ बेटी बहनों के हाथ में या कैंची हर हाथ के कामों के लिए, हर मजदूरों के हाथ के लिए और जुमलेबाज और भ्रष्टाचारियों को कतरने के लिए
उसकी जुबान काटने के लिए कैंची मिल को, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, बिहार और बिहारियों को अपमान करने वालों के खिलाफ, औकात दिखाने वालों के खिलाफ अब ये कैंची ही जुबान काटेगी। इन भ्रष्टाचारियों को, अपराधी बलात्कारियों को भी कैंची से काटेंगे और तीर भी कैंची से कटेगा और कांटा निकाल के फूलों कटेगा, कमलों कटेगा, सब कटेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें इंडियन न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।